सो हेलो स्कॉलर्स, हम APS क्लास 3 कंप्यूटर कर रहे थे। बच्चों, कंप्यूटर की बुक का नेम क्या था आपका? कोड बॉट। और इसका चैप्टर नंबर 7 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। इस बुक का लास्ट चैप्टर है जो कि है चैप्टर नंबर 8, वो आज हम कंप्लीट करेंगे जो कि है पेज नंबर 87 पर। बच्चों, चैप्टर नंबर 8 का नेम क्या है हमारा? AI वर्सेस ह्यूमन इंटेलिजेंस। ओके, AI मीन्स होता है बच्चों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है रोबोटिक्स। क्लियर? जो रोबोट से रोबोटिक्स बोल सकते हो, या फिर जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स आने वाले हैं जो कि पूरे डिपेंडेंट है किस पर? मशीन्स पर। तो वो कहलाते हैं AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और दूसरी तरफ रहती है ह्यूमन इंटेलिजेंस, मीन्स हम ज्यादा इंटेलिजेंट हैं या फिर मशीन्स या फिर रोबोट्स। तो उससे रिलेटेड ये हमारा चैप्टर है बच्चों। इसके सबसे पहले हम करेंगे क्या? क्वेश्चन आंसर्स। ओके, तो सबसे पहले ए वाला देखते हैं, टिक द करेक्ट आंसर है ये। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन इंटेलिजेंस इज नेचुरल। क्लियर? ये प्राकृतिक है, नेचुरली हमें मिलती है ना ह्यूमन इंटेलिजेंस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट का। सेकेंड वाला देखते हैं, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी ऑफ AI इज। देखो, AI जो रोबोट्स होते हैं उनकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज क्या है कि किस सिचुएशन में उन्हें क्या डिसीजन लेने हैं? तो वो होती है बच्चों, सेकेंड का जो आंसर होगा वो अनबायस्ड होती है। क्लियर? इसके बाद आ जाते हैं हम थर्ड वाले पे, मशीन्स विद स्ट्रॉन्ग AI कैन अकम्प्लिस डेस्क टास्क ऑन देयर ओन। तो मशीन जो कि स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो उसके पास, है ना, तो वो कैसे टास्क आसानी से कर सकती है? थर्ड वाले का जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो है बी, कॉम्प्लेक्स टास्क भी आराम से कर सकती है। कॉम्प्लेक्स मीन्स बहुत मुश्किल टास्क। फोर्थ पे आते हैं, सोफिया द सोशल ह्यूमनॉइड रोबोट हैज अ डेलिकेट डेस्क लाइक अपीयरेंस। ओके, तो फोर्थ का जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो है बी वाला पार्ट, है ना, वुमेन। सोफिया एक रोबोट का नाम है। फिफ्थ जो है, द क्विक ड्रॉ डेट शेड इज अ कलेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ। फिफ्थ वाले का जो आंसर है ड्रॉइंग्स। क्या आ जाएगा इसका? ड्रॉइंग्स। तो फिफ्थ का ए पार्ट है सही आंसर। क्लियर? अब आ जाते हैं बी पे, सही है तो टी लिखना है, गलत है तो एफ लिखना है। क्लियर? टी मीन्स ट्रू, एफ मीन्स फॉल्स, ट्रू मीन्स सही, फॉल्स मीन्स गलत। फर्स्ट, प्लानिंग इज द सीरीज ऑफ एक्शन टू बी टेकन टू अचीव अ गोल। तो फर्स्ट का जो आंसर है वो सही है या गलत है? तो ऑब्वियसली सही है, क्योंकि हमें कोई भी गोल अचीव कर रहे हैं तो पहले प्लानिंग हमें करनी रहती है, तो इसलिए ये ट्रू है बच्चों। क्लियर? सेकंड पे आते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अडैप्ट्स इजीली टू चेंज इन द एनवायरनमेंट। तो सेकंड का जो आंसर है वो फॉल्स है, एनवायरनमेंट में नहीं चेंज ला सकते वो। एट प्रेजेंट ऑल AI सिस्टम्स आर वीक। तो प्रेजेंटली यस, बेसिकली सारे AI सिस्टम्स है वो वीक है, ये भी ट्रू है। क्लियर? थर्ड का ट्रू हो गया। फोर्थ पे आ जाते हैं, फोर्थ में लिखा है सोफिया द ह्यूमनॉइड रोबोट वॉज एक्टिवेटेड इन 2016। तो कह रहे हैं कि सोफिया जो ह्यूमनॉइड रोबोट थी वो एक्टिवेट हुई थी 2016 में। तो फोर्थ का जो आंसर है बच्चों वो है हमारा ट्रू, ये हमारा ट्रू। फिफ्थ पे आ जाओ, क्विक ड्रॉ गेम प्रमोट्स प्लेयर टू क्विकली ड्रॉ 6 ऑब्जेक्ट। फिफ्थ का आंसर है बच्चों हमारा, फिफ्थ का आंसर है ट्रू। क्लियर? तो इसमें सारे ट्रू हैं, बस एक ही फॉल्स है। क्लियर? अब आ जाते हैं सी वाले पार्ट पे, जो कि हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे क्वेश्चन नंबर 1 है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑलवेज डैश ह्यूमन बिहेवियर। तो आर्टिफिशियल मिमिक्स ह्यूमंस बिहेवियर, तो MIMICS। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे, ह्यूमन इंटेलिजेंस कैन नॉट बीट द डैश ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑब्वियसली स्पीड, स्पीड को हम बीट नहीं कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, स्पीड SPEED। आगे बढ़ते हैं, गूगल असिस्टेंट एज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश AI। तो गूगल असिस्टेंट है वो किस तरीके का एग्जाम्पल है हमारे लिए? तो वो है वीक AI। गूगल असिस्टेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ वीक AI, WEAK। आगे बढ़ते हैं, डैश इज अ सोशल ह्यूमनॉइड रोबोट क्रिएटेड बाय हैंसन रोबोटिक्स। तो सोफिया, तो इन्होंने सोफिया रोबोट बनाया है, SOPHIA। नेक्स्ट,
पिक्चर ड्रॉन इन क्विक ड्रॉ आर स्टोर्ड इन द डैश ऑफ गूगल। तो फिफ्थ का जो आंसर है वो है डेटा सेट। क्लियर। सो दिस इज द आंसर ऑफ फिफ्थ क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं बच्चों डी वाले पार्ट में, जो कि है हमारा क्या, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, अंतर बताने वीक एआई और स्ट्रॉन्ग एआई में। तो मशीन विद वीक एआई आर डिजाइंड फॉर अ पर्टिकुलर टास्क। वो मशीन जो वीक एआई की होती है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर टास्क के लिए बनाई जाती है कि उनको एक टास्क दे दिया बस वही करना है। मशीन विद स्ट्रॉन्ग एआई कैन थिंक एंड कंप्लीट द टास्क इंडिपेंडेंटली। और जिसका एआई अगर स्ट्रॉन्ग होता है तो वो अपने आप से सोच करके अपने खुद के डिसीजंस भी ले सकती है। ई वाला जो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसमें लिखा है राइट टू फीचर्स ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। कह रहे हैं दो फीचर्स लिखो ह्यूमन इंटेलिजेंस के। तो सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग होता है। ह्यूमन इंटेलिजेंस मतलब हमारी खुद की इंटेलिजेंस इंसानों की, और एक होता है एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दूसरा है रीजनिंग एंड प्लानिंग। सेकेंड जो है बच्चों वो है राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन इंटेलिजेंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच में दो अंतर बताने थे तो उसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, लिख दिया। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस इज नेचुरल, ह्यूमन डिसीजन कैन बी बायस्ड। जहां तक कि एआई की बात है तो एआई इज आर्टिफिशियल, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज ऑफ एआई इज अनबायस्ड। तो ये हमने इसके आंसर लिख दिए सेकंड वाले का, क्लियर, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा नहीं था वो वहां पे हमने लिख दिया। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर थ्री में, तो देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या लिखा हुआ है। वॉट डज क्विक ड्रॉ सॉफ्टवेयर डू एज वी स्टार्ट ड्रॉइंग एन ऑब्जेक्ट। क्विक ड्रॉ ऑब्जेक्ट क्या करता है, सॉफ्टवेयर क्या करता है जब हम स्टार्ट करते हैं ड्रॉइंग बनाना। एज यू स्टार्ट टू ड्रॉ द ऑब्जेक्ट क्विक ड्रॉ स्टार्ट येलिंग आउट वर्ड्स एंड फ्रेजेस इट थिंक्स यू आर ट्राइंग टू इलस्ट्रेट। तो वो अपने आप जो भी आपको सोचना चाह रहे हैं तो वो खुद से क्या करता है, वर्ड प्रमोट करता है कि उनकी स्पेलिंग्स बताने लग जाता है। क्विक ड्रॉ आप देखते होंगे कीबोर्ड पे जब कोई वर्ड टाइप करते हो तो एक स्पेलिंग लिखी आ जाती है ऊपर, तो वो क्विक ड्रॉ बोल सकते हैं आप उसके लिए। एफ वाले पार्ट में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बच्चों, और इसको आप खुद रीड करेंगे। इसका आंसर है स्ट्रॉन्ग एआई एडेप्टेबिलिटी। क्लियर। तो ये हो गया हमारा क्या चैप्टर नंबर 9B कंप्लीट, मींस 8B कंप्लीट, और ये हमारा बुक का लास्ट चैप्टर था। तो इस तरह से हुआ हमारा कंप्लीट सिलेबस बच्चों। इसके बाद हमें आप आएंगे क्लास फोर्थ में, तो हमने उसकी वीडियोस डाल रखी हैं। तो बस अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और कोई भी डाउट रहे तो पूछ सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। बाकी सारी वीडियोस की लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। प्लेलिस्ट बने हुए हैं APS क्लास 3 कंप्यूटर के नेम से, तो वहाँ से सारी वीडियोस एक साथ आप कवर आउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। बाय।